सो गाइस, ये आप देख सकते हैं अभी भूसी जो है गिर रहा है और अंदर आग भी एकदम जल रहा है, काफी तेज तेज से लपटे निकल रही है आग की। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग, आई होप मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और व्यस्त हूँ आप लोगों के लिए ब्लॉग्स बनाने में। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ चूरा कुटाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चूरा क्या चीज़ है। सो गाइस, शहर में जिसको हम पोहा बोलते हैं और जिससे हम पोहा बनाते हैं, उसी को हमारे गांव में चूरा बोलते हैं, जो कि धान से बनाया जाता है गाइस। सो मैं चलता हूँ दुकान पे और आपको डिटेल में बताऊंगा और वहाँ पे दिखाऊंगा भी कि चूरा किस तरह से बनाया जाता है। जो मशीन होती है उस मशीन से चूरा कैसे बनाया जाता है, मैं आपको दुकान पे चल के दिखाता हूँ। सो आप ब्लॉग पे बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। सो हम लोग अब निकलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली मैं दुकान पर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में ये मशीनें लगी हुई हैं जिससे कि चूरा बनाया जाता है पोहा। सो अभी जो है, मतलब यहाँ आने के बाद यहाँ पे मतलब वजन किया गया है और फिर ले जाके मशीन पे रखा गया। अभी वहाँ पे जो प्रोसेस होता है एक के बाद एक, वो वहाँ से चालू हो जाएगा। सो मैं अभी जो है आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि धान से चूरा कैसे बनाया जाता है। गाइस, मैं आपको नज़दीक से भी दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी मैं आ गया मशीन के पास में, ये आप देख सकते हैं। और ये रखा हुआ है गट्ठर, धान का गट्ठर है ये, और यही गट्ठर गाइस अब यहाँ ऊपर डालेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, ये आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले यहाँ पे धान को डालेंगे गाइस, उसके बाद जो है ये है भट्टी, जिसके अंदर धान थोड़ा थोड़ा करके जाता है। और इसके अंदर जैसे आग आप देख सकते हैं, ये आग लगा हुआ है, मतलब आग लगाई गई है इसके अंदर, और जो कि भूसी से लगाई गई है, धान के ही भूसी से। सो जो है, जब इसके अंदर जाता है धान तो थोड़ा थोड़ा वो भुन जाता है, मतलब वही रहता है, बस हल्का हल्का सा भुन जाता है बस। ये आप देख सकते हैं इसमें आग लगाया गया है और ये गिर रहा है भूसी, जो कि धान की है, धान की भूसी है, और वो भूसी जो है इसमें से गिर रहा है। आपने देखा इसके अंदर भूसी डाली गई है और यहाँ से जो है इस पाइप के माध्यम से ये भूसी इस भट्टी में जाता रहता है, और यहाँ पे आग एकदम मतलब गर्म रहता है, काफ़ी जो है हीट रहता है। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं अभी भूसी जो है गिर रहा है और अंदर आग भी एकदम जल रहा है, काफ़ी तेज तेज से लपटे निकल रही हैं आग की। इसका धुआं गाइस आप देख सकते हैं ऊपर चिमनी लगा हुआ है, इससे निकल जाता है छत के ऊपर। और गाइस, इस भट्टी के अंदर से होते हुए धान जब हल्का हल्का भुन जाता है तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ आगे ये बाहर निकल जाता है, जो कि ये बर्तन लगा के रखे हैं जिसको हम लोग तसला बोलते हैं, घमेला, और इसमें आके ये गिरता रहता है। और जब ये एक घमेला फुल हो जाता है गाइस, फिर उसके बाद इसको इस वाले मशीन में डालते हैं, जो कि ये वाली मशीन दो हैं, ये वाली मशीन दो हैं गाइस, और यही मेन मशीन है। इसी से जो है धान से चूरा बनाया जाता है, जिसको हम लोग पोहा भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्या, मतलब पोहा बोलते ही हैं, शहर में पोहा बोलते हैं और हमारे गांव में गाइस इसको चूरा बोलते हैं। तो आप देखते रहिए। तो गाइस,
ये आप देख सकते हैं काफ़ी मशीन चल रही है, काफ़ी मशीनें चल रही हैं एक ही साथ में। और गाइस उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो है आप देख सकते हैं ये कपड़ों पे हल्का हल्का भूसी, मतलब धूल मिट्टी के टाइप में भूसी आ रहा है। तो इधर आने पे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं गाइस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े तो धुल जाएंगे फिर से। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि इसके अंदर धान जब डालेंगे तो मतलब कैसे ये इसका फुटाई हो जाएगा और ये चूरा बन जाएगा। तो गाइस ये आप देख सकते हैं अभी धान को जो भुना हुआ था उसको भैया ने मशीन के अंदर डाल दिया है और ये थोड़ी देर में अभी चूरा बनके तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मतलब कैसे ये रन कर रहा है, इसका जो पहिया है इसी से इसका कुटाई हो जाता है गाइस। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और खाने में तो और मज़ा आएगा। ये आप देख सकते हैं किस तरह से धान को चूरा बनाया जाता है, काफ़ी जो है प्रोसेस से गुजरता है तब जाके ये चूरा बनता है, तब हम लोग खाते हैं मज़े से। और गाइस इधर जो है जब धान की कुटाई हो जाती है तो उससे जो भूसी बनता है, भूसी निकलता है गाइस, ये इधर जाके गिर रहा है, देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका भूसी गिरता है और यही भूसी वहाँ पे आग लगाने का काम आता है गाइस, मतलब ईंधन का काम करता है टोटल मिला के। बहुत ही फास्ट जलता है ना ये, बहुत ही मस्त ये भूसी जो है जलता है, बहुत काफ़ी ज्वलनशील होता है। ये आप देख सकते हैं अभी जो है चूरा बनके तैयार हो गया, मस्त एकदम गजब, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और इनका जो है दुकान है सावड़ी चौराहा, जो कि पोखरावा के नाम से भी फेमस है। सो आप कभी भी जो अगर आपको चूरा बनवाना है मतलब कुटवाना है तो आप यहां आके कुटवा सकते हैं। और गाइस ये दूसरा वाला मशीन है, अभी इसको बंद करके रखे हैं क्योंकि एक ही मशीन से इनका काम हो जाता होगा, इसलिए जो है एक ही मशीन अभी चला रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अंदर की साइड में वो लगा हुआ है इंजन जो कि इस पूरे सेटअप को घुमा रहा है, मतलब वो जो है एक इंजन है और उसी से आप देख सकते हैं ये सारा ये सब कुछ कनेक्ट होके चल रहा है। तो गाइस इतना सारा सेटअप लगा के तब उसके बाद जो है मतलब धान से चूरा बनाते हैं, काफ़ी मेहनत लगता है। तो गाइस अभी जो है हमारा चूरा बनके कंप्लीट हो गया है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही गजब बना है, खाने में मज़ा जाएगा। और गाइस अब हम लोग निकलते हैं घर सीधे सीधे क्योंकि काम तो हमारा हो ही गया। और आप ये देख सकते हैं हमारे ऊपर जो है काफ़ी मतलब धूल मिट्टी पड़ गया जो कि मशीन चलने की वजह से उड़ रहा है, भूसी उड़ रहा है। सो कोई दिक्कत नहीं, अभी चल के हम घर इसको धुल लेंगे और अभी निकलते हैं हम लोग घर के लिए। तो आप लोग पे बने रहिए और एंजॉय करते रहिए, मैं घर पहुंच के आपसे बात करता हूँ। सो गाइस फाइनली मैं घर पे आ गया, वहाँ पे मशीन चल रहा था इसलिए जो है बैकग्राउंड नॉइज़ जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं घर पर पहुँच के आपसे बात करूँ। सो जो वो चूरा बनाने का मशीन है जो हमने आज दिखाया, आपको कैसा लगा और ब्लॉग वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें एंड शेयर करें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन पे क्लिक करें। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। सो तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय।